हे गाइस, स्वागत है तुम सबका वन पीस के एक और नए वीडियो में। और अगर इससे पहले का एपिसोड तुमने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसे देख लो। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि लूफी और बाकी सब ड्रेसरोसा आइलैंड पर पहुंच चुके होते हैं और लूफी शिप से उतरते ही कहता है कि चलो मजे करते हैं, जिस पर उसॉप डरते हुए लूफी से कहता है कि जरा धीरे बात करो क्योंकि हम सब डोफ्लामिंगो के इलाके में हैं। फिर वो लॉ से कहता है कि हमें पहले ड्रेसरोसा के अंदर का जायजा लेना होगा, जिस पर लॉ उससे कहता है कि हाँ, पर ध्यान रहे, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि अगर हम सब फैक्ट्री को तबाह करने में नाकाम रहे तो हमारा पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। जिस पर लूफी मोमो से कहता है कि मोमो मुझे वहाँ तक ले चलो, जिस पर मोमो इससे कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा और दूसरी बात, मैं उड़ नहीं सकता, जिस पर लूफी उससे कहता है कि क्या मतलब तुम उड़ नहीं सकते, मैंने तुम्हें उड़ते हुए देखा है जब हम दोनों उस कूड़े के ढेर में थे, जिस पर मोमो उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, जिस पर लूफी बाकी सबसे कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सच में उड़ रहा था, जिस पर रॉबिन उससे कहती है कि पर उसके पास तो पंख है ही नहीं। फिर मोमो लूफी से कहता है कि अगर मैं उड़ भी पाता तो भी मैं ये अभी नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो, और इतना कहते कहते वो रुक जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो देखता है कि एक हाथ उसके तरफ बढ़ रहा होता है और कोई उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और अपनी आंखें खोल लेता है और वो लूफी से कहता है कि मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करने वाला, जिस पर लूफी उससे कहता है कि क्या तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है, जिसे सुनकर मोमो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो लूफी को अपने मुंह में भर लेता है और उससे कहता है कि मैं एक सामुराई हूँ और सामुराई किसी से नहीं डरता, जिस पर लूफी उसे एक जोर से पंच मारता है और इतने में ही उन दोनों में बहस हो जाती है, जिसे देखकर सांजी कहता है कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं, और जिस पर ब्रुक लूफी से कहता है कि लूफी वो सिर्फ 8 साल का है, जिस पर लूफी उससे कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं किंग ऑफ द पायरेट बनने वाला हूँ, जिस पर मोमो उससे कहता है कि मुझे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं वानों का शोगुन बनने वाला हूँ। फिर वहाँ पर लॉ आता है और वो नामी से कहता है कि इसे अपने पास रखो, ये तुम्हारे काम आएगा। फिर लॉ नामी को वीवर कार्ड देता है और उससे कहता है कि ये तुम्हें जो आइलैंड तक ले जाएगा और अगर हमें ड्रेसरोसा में कुछ हो जाता है तो तुम सीधा वहीं चली जाना, जिस पर नामी कहती है कि पर एक मिनट, जिस पर ओसॉप कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना, हम सब बिल्कुल सेफ होंगे, जिस पर लॉ उससे कहता है कि किसे पता, और फिर लॉ उन सबको ड्रेसरोसा का मैप दिखाता है और कहता है कि हम लोग यहाँ पर हैं और डोफ्लामिंगो का महल बीच में है और स्माइल फैक्ट्री कहीं भी हो सकता है और हम सबको बहुत चौकन्ना रहना होगा ताकि किसी को हम सब पर शक ना हो। और तभी सांजी को किसी चीज की खुशबू आती है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर लॉ कहता है कि मेरी टीम सीजर को सौंपने जाएगी और हम सब ड्रेसरोसा होते हुए उत्तर की ओर जाएंगे, जहाँ पर हमें एक ब्रिज मिलेगा जिसे क्रॉस करके हम ग्रीन मिट पर पहुँच जाएंगे, जिस पर उसब कहता है कि आखिर हम ड्रेसरोसा के अंदर से क्यों जा रहे हैं, हम तो वहाँ पर शिप से भी जा सकते हैं, जिस पर लॉ कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जिस पर रॉबिन कहती है कि सुनने में तो मजेदार लग रहा है, जिस पर सीजर कहता है कि हाँ, मुझे बस सही सलामत पहुँचा दो, जिस पर उसब उनसे कहता है कि दोस्तों मुझे लगता है कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है। फिर लॉ नामी और बाकी सबसे कहता है कि तुम लोग सनी पर रहोगे और कहता है कि तुम लोग शिप को गार्ड करोगे, जिस पर चॉपर कहता है कि भले ही हम डोफ्लामिंगो के इलाके में हो पर हमारे साथ सांजी है, पर वो देखता है कि सांजी वहाँ से गायब हो चुका है और लूफी की टीम भी वहाँ से गायब है, जिसे देखकर लॉ कहता है कि आखिर हमारे प्लान का क्या, जिस पर चॉपर कहता है कि वो सब छोड़ो और ये बताओ कि आखिर हम सबको कौन बचाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ड्रेसरोसा के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लोग सड़क पर नाच रहे होते हैं और सब कुछ बढ़िया लग रहा होता है और लूफी और बाकी सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जिसे देखकर लूफी और सांजी कहते हैं कि क्या खुशबू है, और तभी लूफी की नजर एक डॉग पर जाती है जिसके मुंह में एक खिलौने का हाथ होता है और पीछे से कोई उसे चिल्ला रहा होता है और जिसे देखकर लूफी चौंक जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो खिलौना उस डॉग के पीछे दौड़ रहा होता है और उससे कहता है कि मुझे मेरा हाथ वापस करो, ये खेलने की चीज नहीं है, और जिसे देखकर बाकी सब बहुत हैरान हो जाते हैं और लूफी कहता है कि क्या वो एक खिलौना था। और फिर हमें बताया जाता है कि ड्रेसरोसा की एक खास बात ये है कि यहाँ पर खिलौने आम इंसान की तरह बोलते और चलते फिरते हैं,
और ये इंसानों के साथ ही रहते हैं, इंसानों की जिंदगी ही जीते हैं, जिसे देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं। फिर हमें एक अंधा इंसान दिखाया जाता है जो रास्ते पर चल रहा होता है और जो दिखने में बहुत मिस्टीरियस टाइप लग रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लूफी और बाकी सब ने किनेमोन की डेविल फ्रूट की मदद से अपना गेटअप चेंज कर लिया होता है और वो सब बूढ़े लोगों की तरह दिखने लगते हैं। और लूफी कहता है कि मुझे भूख लगी है और वो सब एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। पर तभी जोरो को एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस होती है और वो अपने लेफ्ट में देखता है कि वो बूढ़ा आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और जिसे देखकर वो पहले ही अपनी तलवार पर हाथ रख लेता है। फिर वो अंधा आदमी उसके पास से गुजरते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर गैम्बलिंग कहाँ होती है। जिस पर जोरो उससे कहता है कि मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर नया हूँ और मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, पर हाँ सामने एक रेस्टोरेंट है। जिस पर वो आदमी जोरो से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया और फिर वो अंदर चला जाता है। फिर हमें रेस्टोरेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है और किनेमोन लूफी से कहता है कि लूफी हमें यहाँ वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए और जाकर कांजीरो को ढूंढना चाहिए। जिस पर फ्रैंकी उससे कहता है कि आराम से थोड़ा सबर करो, हमें पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने दो, फिर हम ढूंढने चलेंगे। फिर सांजी बाकी सबसे कहता है कि मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा और कहता है कि इनके राजा ने अपनी गद्दी छोड़ दी, पर इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिस पर जोरो कहता है कि शायद इन लोगों ने ये खबर नहीं सुनी होगी। जिस पर लूफी कहता है तो चलो पता करते हैं और वो जैसे ही एक आदमी से पूछने जाता है, सांजी उसके सर में एक लगाता है। जिस पर लूफी उससे कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर वो कहता है क्योंकि आज सुबह ही तुम्हारी फोटो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर थी। फिर हमें उस अंधे आदमी को दिखाया जाता है जो वहाँ पर बैठकर गैम्बलिंग कर रहा होता है और वो लगातार 15 बार जीत चुका होता है, जिसे देखकर वहाँ के सारे लोग उसकी तारीफ करते हैं। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो उस अंधे आदमी को खेलने के लिए चैलेंज करता है और उसके साथ चीटिंग करता है क्योंकि वो लगातार जीत रहा था। फिर वो अंधा आदमी हर बार व्हाइट पर दांव लगाता है और हमेशा व्हाइट ही आता है, पर वो आदमी उसके साथ चीटिंग करता है और उसे ब्लैक बताता है। फिर वो आदमी अपने सारे टोकन्स को एक ही बार में दांव में लगाता है और कहता है कि मैं सब कुछ व्हाइट पर ही लगा रहा हूँ। और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।